नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये है इवोपरेटर और ये जो प्लांट है ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट है और ये एलपीएस सिस्टम नहीं है, ये मैन्युअली इसको ऑपरेट किया जाता है। तो इस कोल्ड स्टोरेज प्लांट को एलपीएस सिस्टम में हम बदलने वाले हैं। इसमें लिक्विड पंप और लो प्रेशर रिसीवर लगाकर इसे एलपीएस सिस्टम में चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सर्ज ड्राम है, इस सर्ज ड्राम को उतार दिया गया है। ये यहाँ पर इवोपरेटर के पास में लगा था, ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ वेल्ड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से सर्ज ड्राम हटाकर और पाइप लगाकर वाल्व देकर डायरेक्ट इसके ऊपर से वेल्ड किया गया है। देख सकते हैं कि नया वेल्डिंग हुआ है। तो यहाँ से कटिंग करके जो सर्ज ड्राम है नीचे उतार दिया गया है ताकि एलपीएस जो सिस्टम है ये बढ़िया से काम कर सके। वैसे ये रहता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अच्छे से काम करने के लिए इसे उतार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम चेक करेंगे। जो भी वेल्ड हुआ है सभी वेल्ड को हमें चेक करना पड़ेगा हवा भर के, ठीक है। देख सकते हैं कि इधर भी सभी इवोपरेटर जो है नया पाइप देकर वेल्ड किया हुआ है और सभी का जो सर्ज ड्राम है नीचे उतार दिया गया है। देख सकते हैं कि इधर भी उतारा हुआ है। तो दोस्तों इस इवोपरेटर में हम हवा भरेंगे और बताएंगे कि इवोपरेटर में हवा कैसे भरते हैं। दोस्तों ये सभी को पता होगा, लगभग सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। एक्चुअली दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि इवोपरेटर में हवा भरने के बारे में बताएं, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये साधारण सी बात है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम हवा भरते हैं, चलते हैं मशीन रूम में और इसमें हवा भर के चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो सेक्शन वाला वाल्व है ऊपर का वाल्व खुला रहेगा और यहाँ लिक्विड लाइन में भी वेल्ड किया गया है पाइप देकर, ठीक है। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो ये भी वाल्व खुला रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व था, तो एक्सपेंशन वाल्व उतार दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि एलपीएस सिस्टम में यहाँ इवोपरेटर के पास एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगता, ठीक है। तो सिर्फ एक वाल्व दिया गया है केवल गैस को बंद करने के लिए, ठीक है। बाई चांस कभी जरूरत पड़ता है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। केवल एक ग्लोब वाल्व दिया गया है, ठीक है। तो ये भी वाल्व खुला रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं मशीन रूम में और हवा भरते हैं। तो दोस्तों हम मशीन रूम में हैं और ये जो कंप्रेसर है ये KC4 कंप्रेसर है, इसी से हम हवा भरेंगे। किर्लोस्कर कंपनी इस कंप्रेसर से हवा भरने को मना करती है, लेकिन हम इसी से भरेंगे, सभी लोग भरते हैं। तो हमें सेक्शन में हवा भरना है, ठीक है, इवोपरेटर में हवा भरना है, यानी इस कंप्रेसर से हमें उल्टा काम लेना है। तो डिस्चार्ज लाइन में हवा भरना तो आसान है, लेकिन सेक्शन में हवा भरना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो सेक्शन में हवा भरने के लिए कंप्रेसर के ऊपर बाईपास सिस्टम लगा होना जरूरी है। अगर बाईपास पाइपलाइन नहीं लगा है किसी कंप्रेसर के ऊपर तो आप सेक्शन में हवा नहीं भर सकते, ठीक है दोस्तों। तो अगर कंप्रेसर के ऊपर बाईपास लगा हुआ है तो बड़ी आसानी से आप सेक्शन में हवा भर सकते हैं और उसके जरिए इवोपरेटर में हवा भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाईपास कैसे काम करता है इसके बारे में आपको पता नहीं है तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, ऊपर साइड में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हवा भरने के लिए हमें कहीं से हवा कंप्रेसर के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है, तब हवा हम भर सकते हैं सेक्शन के अंदर। तो हवा देने के लिए दोस्तों यहाँ से कोई वाल्व हो जहाँ से खोलकर आप हवा अंदर दे सके, या कई लोग ये भी खोल लेते हैं लेकिन ये खोलना ठीक नहीं है। यहाँ से खोलने से भी पूरा हवा, क्योंकि ये 4 पिस्टन का है तो पूरा हवा ये नहीं इधर से खींच पाएगा और इसका क्रैंक केस वैक्यूम में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से नहीं खोलेंगे, हमें खोलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम खोल कर और ढक्कन को निकाल कर इसमें बड़ी आसानी से हवा दे सकते हैं। इधर से हवा जाएगा और बाईपास के जरिए सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे खोलेंगे, लेकिन दोस्तों आप इस साइड से ना खोलें, अगर इस साइड से खोलेंगे तो हवा आपके नहीं जाएगा, ठीक है। तो इधर से खोलेंगे, इधर से खोलने से ऐसा होगा कि इसके अंदर स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर से छन कर हवा अंदर जाएगा, कोई कचरा धूल वगैरह नहीं जाएगा, इसलिए इधर से खोलें। और दोस्तों हवा भरने के लिए ये वाल्व बंद रहेगा, सेक्शन का जो स्टॉप सर्विस वाल्व है ये बंद रहेगा और डिस्चार्ज का भी बंद रहेगा और ये जो है खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ से
डिस्चार्ज स्टॉप वाल्व के नीचे से जो पाइप लगा है और एक वाल्व ब्रेकर और सेक्शन स्टॉप वाल्व के ऊपर जाकर लगा है, तो ये वाल्व हम खोलेंगे, बाकी सभी वाल्व बंद रहेगा। और हवा भरने से पहले दोस्तों कंप्रेसर के बॉडी का प्रेशर निकाल लेंगे, फिर इस ढक्कन को खोलेंगे। दोस्तों जब हम सेक्शन में हवा भरेंगे यानी इवेपोरेटर में हवा भरेंगे तो डिस्चार्ज में ही इसका प्रेशर दिखाएगा। जितना हवा जाएगा अंदर तो डिस्चार्ज वाला गेज है, प्रेशर गेज है, उसमें इसका प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। और ऑयल वाले में ऑयल प्रेशर दिखाएगा, सेक्शन में कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सेक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि सेक्शन से हमें हवा लेना है, इसलिए सिर्फ डिस्चार्ज वाला ही इवोपरेटर का जो हवा होगा ये डिस्चार्ज में दिखाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर गेज में दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम हवा को भर लेते हैं। तो इस ढक्कन को हम खोलते हैं दोस्तों। इसमें 18 का पाना लगेगा, ठीक है, 18 का पाना इसमें लगता है, तो इसे हम खोलते हैं दोस्तों। इसे खोल लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। सभी बोल्ट को निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह खोल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हवा भरते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि सेक्शन लाइन के ऊपर से जो आ रहा है पाइप और डिस्चार्ज वाल्व के नीचे में लगा हुआ है, इसका ये जो बाईपास का वाल्व है इसे खोल देंगे, पूरी तरह खोल देंगे इसे। ठीक है, देख सकते हैं जो डिस्चार्ज का स्टॉप वाल्व के नीचे से लगा हुआ है उसका वाल्व हम बाईपास का वाल्व खोल देंगे, मैंने इसे खोल दिया, ठीक है दोस्तों। बाकी स्टॉप वाल्व सेक्शन का और डिस्चार्ज का ये बंद रहेगा, बाकी सभी वाल्व बंद रहेगा, सिर्फ ये खुला रहेगा और ये ढक्कन खुला रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हवा इधर से खींचेगा और डिस्चार्ज से होते हुए सेक्शन में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैंने कंडेंसर का पंप स्टार्ट कर दिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑयल प्रेशर आ गया है, ठीक है, और कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। अब लोड में आने का इंतजार कर लेते हैं दोस्तों, लोड में आएगा तब इसमें हवा भरा जाएगा। दोस्तों कंप्रेसर लोड में आ गया है, देख सकते हैं हवा खींच रहा है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक जो लोड होता है वो लोड आया हुआ है, अब यहाँ मैनुअली तरीके से लोड पकड़ाएंगे और ये भी लोड पकड़ा लेते हैं। तो इसके चारों पिस्टन लोड में है और इधर से हवा खींच रहा है, देख सकते हैं इधर से हवा खींच रहा है पूरा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, 20 पे चला गया है प्रेशर, देख सकते हैं दोस्तों 25 पे चला गया, ये बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इवोपरेटर में हवा मैंने भर दिया है और कंप्रेसर को बंद भी कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ मैंने
150 PSI हवा भरा है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि 150 PSI मैंने इवोपरेटर में हवा भरा है। अब चलेंगे ऊपर और वहाँ इवोपरेटर को जो क्वाइल है उस क्वाइल को हम चेक करेंगे, जहाँ भी लीकेज होगा उसको वेल्ड किया जाएगा और फिर से उसे चेक होगा हवा भर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और हम इवोपरेटर को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये है इवोपरेटर, इसमें मैंने 150 PSI हवा भर दिया है। अब इसे चेक किया जाएगा, देख सकते हैं कि जहाँ भी ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को चेक किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों कि चेक हो रहा है, जो सर्फ का पानी होता है उससे चेक किया जा रहा है हर ज्वाइंट को, जितने भी ज्वाइंट को वेल्ड किया गया है उसको चेक किया जा रहा है। जहाँ भी लीकेज होगा वहाँ झाग बनना शुरू हो जाएगा। वहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि फ्लैंज से एक लीक है, इसको टाइट कर देने से हो जाएगा। तो फ्लैंज 2 इंची का वाल लगा हुआ है, उसके फ्लैंज से लीक है। आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ से लीकेज आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। तो इसे आवाज आ रहा है, वहीं पर कहीं आवाज आ रहा है, शायद फ्लैंज से हो। ग्लांस हो सकता है, सारे ओके हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया कि इवोपरेटर में हवा कैसे भरा जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।